अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलिका ताजा शियाना। चलिए फ्रेंड्स, रोल समोसा की रेसिपी और हरी चटनी की रेसिपी दिखाती हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ऐसे लाइक करिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स, मैं अच्छे अच्छे रेसिपी लाते रहूँगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले हरी चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दिखाई हूँ वो हरी चटनी इसी से अलग है। थोड़ी मुट्ठी भर पुदीना ले लिया है, 3 से 4 हरी मिर्ची, 2 से 3 लहसुन कली और 2 स्पून दही और 1/2 टीस्पून लाल नमक और 1/2 टीस्पून चाट मसाला और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। इसमें सारे चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो ग्राइंड हो चुकी है, इसे ट्रांसफर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हरी चटनी तो रेडी हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, एक पैन ले लेंगे और इसमें मैदा डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 2 स्पून ऑयल डालेंगे इसमें। इसको अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, पूरा ऑयल और नमक को, आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तीनों को। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये तो रेडी हो चुका है। इस तरह क्यों कर रही हूँ कि कहीं भी लम्स नहीं रहे। देखिए फ्रेंड्स, ये तो पूरी तरह से रेडी हो चुका है डो, और इसे 5 या 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। उबले हुए आलू ले लेंगे और इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और इसमें कटा हुआ, बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची डालेंगे टेस्ट के अनुसार, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। हरिया धनिया डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/2 स्पून, थोड़ी हल्दी डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, 2 स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसे सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मिक्स कर लेंगे पूरे चीज़ों को, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो पूरी चीज़ों मिक्स हो चुके हैं और इसके इस तरह से रेडी कर लेंगे। इसको सारे इसी तरह से रेडी कर चुकी हूँ मैं और इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। ये तो रेस्ट हो चुका है आटा, देखिए फ्रेंड्स इतना ऐसा होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरह से कट लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये तो कट हो चुके हैं एक साइड, और थोड़ा मैदा पेस्ट करके रखा था मैंने, एक साइड मैदा पेस्ट लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा रख के इसको रोल कर लेंगे। इसी तरह से सारे रेडी करेंगे और एक दिखाती हूँ कि कैसा रेडी करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरों को, सारों को इसी तरह से रेडी कर लेंगे। इस साइड से इस तरह से गैप होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं रोल्स। चलिए फ्रेंड्स, इसको फ्राई करते हैं, मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। ऑयल हीट होने के लिए रख दिया था मैंने, एक एक करके इसी सारे तरह से डाल देंगे पूरे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह गोल्डन होना चाहिए। इस तरह टिश्यू में डाल रही हूँ, क्यों टिश्यू में डाल रही हूँ कि ऑयल पूरा इसका जजम हो जाए, इसलिए टिश्यू में डाल रही हूँ मैं। नेक्स्ट ट्रिप भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, अलट पलट के फ्राई कर लेंगे पूरी तरह से। मीडियम फ्लेम में फ्राई करना चाहिए, इस तरह से गोल्डन होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो फ्राई हो चुके हैं, टिश्यू में डाल चुकी हूँ और ऑयल पूरी तरह से, देखिए फ्रेंड्स, सर्व कर चुकी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये तो सर्व हो चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप भी बनाना ना भूले, ज़रूर बनाइए। आपको कैसे बने हुए थे कमेंट में ज़रूर बताना ना भूले। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।